हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा एंड आसी में। टाइटल और थंबनेल पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ किस टॉपिक में बात करने आई हूँ। अच्छा, पीछे से कुछ नॉइज़ आ रही है तो आप प्लीज़ उसे काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास के घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मेरा मानना है कि जब एक औरत माँ बनती है या माँ बनने वाली होती है तो अपने बेबी के साथ साथ उनका भी एक न्यू जन्म होता है। तो अब अपने बेबी का और अपना ख्याल रखना ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे भी इस फील भगवान इस फीलिंग से, इस एहसास से, दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास से हर औरत को एक ना एक दिन दे, हर औरत की लाइफ में एक ना एक दिन ये खूबसूरत एहसास दे। तो मेरी प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव थी, तो मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट मेरी शादी 2020 के जुलाई में हुई थी और मैंने कंसीव किया था 2021 के फरवरी में। तो मुझे ना फरवरी कोलकाता से हूँ, हमारे यहाँ सरस्वती पूजा होती है, तो 2021 यानी कि पिछले ईयर फरवरी में जब सरस्वती पूजा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा एहसास हो रहा था, जो कुछ सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे थे जो कि मुझे पहले फील नहीं हुआ था आज से, मतलब इससे पहले। तो मुझे मन में एक डाउट थी, तो सरस्वती पूजा का टाइम था और मेरे फ्लैट के ऊपर में, मतलब जिस फ्लैट में मैं पहले रहती थी वहाँ ऊपर में छत में सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो वहाँ सब लोग मुझे डांस के लिए बुला रहे थे तो मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे मन में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा था कि दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो मैं उस चीज़ को इग्नोर की। देन उसके बाद ना, वो प्रेगनेंसी में होता है कि आपको स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है, कि आपका दूर में भी कहीं पे कुछ बन रहा हो तो उसका स्मेल आपके नाकों तक या फिर कोई भी अच्छा बुरा स्मेल आपको बहुत हार्डली आती है। तो ये सब मैंने सुना था तो मुझे भी ऐसा कुछ फील हो रहा था, थकान, नींद, एक्सेस नींद आना, थकान और डाउन फील करना, तो मुझे ये सब फील होने लगा था। तो जब ऐसा आप लोग, सबकी प्रेगनेंसी वैसे अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं, मेरे प्रेगनेंसी में थी तो ऑलमोस्ट तो थोड़ा कॉमन होता ही है सबकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ। तो जब आप लोग को भी कुछ ऐसा फील हो तो मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। तो मुझे ये सब फील होने लगा, ये सब आने लगा और मैं उसके बाद अपने हस्बैंड को बताई तो हम लोग घर पे ही होम टेस्ट किट से टेस्ट किया। तो सुबह के 4:30 या 5 बजे मैंने टेस्ट किया तो मुझे रिपोर्ट पता चला। तो मैं अपने पति के पास गई और उन्हें रिपोर्ट दिखाई। जो इंसान 10 बजे के पहले उठते नहीं हैं वो इंसान का नींद गायब हो गया और वो उठ गए और हम लोग जाकर बैठे। बहुत खुशी था उस टाइम, मैं बता नहीं सकती, बता के बोल नहीं सकती कितना खुशी था। तो उसके बाद मेरे पति ने तुरंत मेरे मायके वाले को और अपने फैमिली को सुबह 5 बजे सबको कॉल कर करके डिस्टर्ब करने लगे और बताने लगे कि ऐसी ऐसी न्यूज़ है, सब फैमिली में बहुत खुश हुए। तो वहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद आया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी नौजिया कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी, जब खाती थी तब उल्टी, इतनी उल्टी। और जब आपको इस कंडीशन में उल्टी होती है ना
आपको इतना इतना थकान, इतना कष्ट फील होता है कि आप जो खाए होते हो उसको निकालने में इतना तकलीफ होता है कि जब आप इस पीरियड से गुजरोगे तो आप ये पता कर पाओगे। मैं बोल के बता नहीं सकती आप लोगों को कि कितना उस टाइम कैसा लगता है उल्टी होने से। उसके बाद उल्टी, थकान और मतलब सर घूमना, ये सब रहने लगा। फिर आया मेरे फर्स्ट USG का टाइम, जब डॉक्टर ने कहा कि आपको ने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक USG करानी है। तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे अपने बेबी का हार्ट बीट सुनने को मिलेगा। तो मैं गई जब USG करवाने, तो मुझे अपनी बेबी का फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई दिए। वो मोमेंट इतना 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 ज़्यादा खुशी वाला था एक माँ के लिए जो होता है कि वो अपने बच्चे की फर्स्ट हार्ट बीट सुन रही हो। और वैसे तो जब से वो प्रेग्नेंट होती है तब से अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड फील करती है, बट यकीन मानिए जब आप उसका फर्स्ट हार्ट बीट सुनोगे ना, तो आप और भी ज़्यादा उससे कनेक्टेड हो जाओगे। तो उस टाइम से मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे भी करके अपनी इस बेबी का ख्याल रखना है, सब कुछ टाइम से करना है, जैसे कि मेडिसिन खाना और पानी वगैरह। प्रेगनेंसी में आपको पानी बहुत पीना होता है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, तो मुझे अपना ख्याल व्याल रखना पड़ा। देन उसके बाद आया कि सब कुछ वैसे ही चल रहा था। देन उसके बाद मेरे जब सेकेंड USG का टाइम आया, तो उस टाइम मैंने कुछ नोटिस किया कि मेरी बेबी के ना वेट नहीं बढ़ रहा है, जिस अकॉर्डिंग मतलब वीक बाय वीक बढ़ना चाहिए वैसा वेट नहीं बढ़ रहा है। तो उससे मुझे थोड़ा टेंशन होने लगी। तो मैं खाना पीना तो वैसे बहुत अच्छा ही कर रही थी, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, वो सब कुछ खिलाते थे, या फिर मैं उस टाइम जो क्रैविंग होती थी मैं जो भी चाहती थी मेरे पति सब ला कर देते थे, मैं सब खाती थी, बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। बट ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि मेरे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा था, मैं समझ नहीं पाई। फिर हम लोग उस चीज़ को थोड़ा मतलब और ख्याल रखने लगे कि इसी उम्मीद में कि आगे जो चेकअप करवाएंगे, जो करवाएंगे, तो बेबी का वेट इंक्रीज होगा। तो हम लोग चले गए अपना ख्याल रखने लगे। और उसके बाद मेरे ज़िंदगी में और एक फेज़ आया, वो है पेन। जी हाँ, मुझे अपने बॉडी के टेलबोन में लेफ्ट साइड में इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जैसे लगता था कि अपने पैर को उठा ही नहीं पा रही हूँ, उसे मूव नहीं कर पा रही हूँ, और चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होता था। मेरा हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरा शादी जहाँ हुआ था उससे मेरा हॉस्पिटल मेट्रो से कम 1 घंटा लगता था। तो मैं वही सोचती थी इतना दूर हॉस्पिटल में एडमिट तो हो गई, बट अभी तो ठीक है, मेरा वीक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पर जब वीक बढ़ने लगेगा या फिर मैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में आऊँगी, तो मैं हॉस्पिटल कैसे विजिट करूँगी। मैं इस बात से थोड़ा सा घबराई हुई थी, सोच रही थी कि मैं कैसे विजिट करूँगी। फिर बोलते हैं ना, सब कुछ हो ही जाता है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, तो हो ही गया। खैर, फिर क्या हुआ कि वो पेन इतना ज़्यादा रहने लगा, मैं अपने मम्मी से घर पे शेयर करती थी और अपने पति को बताती थी। तो उनको तो खैर नॉलेज नहीं था, पर मम्मी से शेयर करती थी। नानी थी उस टाइम पे मेरी, वो अभी नहीं रही, तो नानी थी, उनको बताती थी। तो नानी और मम्मा लोग एक ही बात कहते थे कि हो सकता है ये तुम्हारे प्रेगनेंसी का या तुम्हारे बेबी का ऐसा सिम्टम्स हो जिसकी वजह से तुम इतने पेन में हो। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत पेन में थी, फिर भी मैं अपनी प्रेगनेंसी के 8वें मंथ तक घर का काम काज करती थी। बड़े लोग कहते हैं कि घर का काम काज किया करो,
जिससे डिलीवरी में आसानी हो और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं काम काज वगैरह करती थी उसी पेन के साथ। हाँ, और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया था तो कहते थे कि आपको जब आप प्रेग्नेंट होना तो लेफ्ट साइड पोजीशन में सोना अच्छा होता है बेबी के लिए, ताकि वो ब्रीथ ले पाए अच्छे से, उसे ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर मेरा तो लेफ़्ट साइड में ही प्रॉब्लम था, तो मैं सो नहीं पाती थी मैं उस साइड में। खैर, वो दर्द तो तब भी मैं कैसे कैसे करके झेल ली। उसके बाद मेरा लाइफ का एक और फेज़ आया, जिसमें मुझे जब बच्चे की ना मुंह में पता नहीं चलती थी, वो मेरा 5वें 6वें महीने के बाद मुझे कभी कभी रह रहे कि मेरे बच्चे की मुंह में एहसास होना बंद हो जाता था। तो उसके लिए मैं तुरंत भागती थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहते थे, डॉक्टर भी चेक करते थे जब, तो वो चेक करते थे तो उसको भी ऐसा एहसास होता था कि मेरी बेबी के हार्ट बीट मतलब नहीं चल रहे हैं। तो वो मुझे अर्जेंटली सोनोग्राफी के लिए बोलते थे। तो वो टाइम जब आपका इतना ट्राइमेस्टर गुजर चुका होता है, जब आप अपने भगवान को याद करते हो, तो वो एक औरत के लिए बहुत बहुत घबराहट वाली बात हो जाती है कि आपका बेबी सही सलामत हो, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाए। बट जब डॉक्टर बोलते थे ना कि आपके बेबी के हार्ट बीट नहीं आ रहे, तो उस टाइम मैं बहुत रोती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो सब घर वाले मुझे बोलते थे, समझाते थे कि बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। फिर हार्ट बीट वीओएसजी वगैरह करवा के आते थे, तो उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता था। और ऐसा और एक बार हुआ मेरे साथ कि मेरे पति ऑफिस थे और मैं कहीं अपने रिलेटिव्स के घर गई हुई थी। तो मुझे ना उससे एक दिन पहले से ही मेरे बेबी का मूवमेंट फील नहीं हो रहा था। तो मैं सोची कि वो एक्चुअली पता नहीं, पर कुछ लोग बोलते थे कि बेबी लोग काफ़ी आलसी होता है, अगर आपके बेबी बॉय हो तो आलसी होता है। ये मैं नहीं कह रही, मुझे भी कहीं से सुनने आया था। तो बेबी बॉय आलसी होता है, कभी कभी वो सो जाता है, तो इस वजह से मूवमेंट नहीं पता चलता है। पर मुझे तो अपनी बेबी के बारे में ऐसा फील होता था। उस टाइम बहुत यूट्यूब्स में देखती थी वीडियो वगैरह, तो सिम्टम्स वगैरह कि मुझे क्या है, तो मुझे फील होता था कि मेरी बेबी गर्ल है। और मैं बहुत खुश भी थी कि मेरे को बेबी गर्ल हो, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है कि मेरी जो दादी सास थी वो तब गुजर चुकी थी। तो मैं अपने पति को हमेशा बोलती थी कि देखिएगा, आपकी दादी वापस आएगी, मेरे थ्रू आएगी, हम लोग के लाइफ में फिर से आएगी। तो मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर। और हाँ, तो जब मेरा मूवमेंट नहीं फील होता था तो मैं अपने पति को, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर फिर बोले कि उसका हार्ट बीट नहीं पता चल रहा, आप यूएसजी कराओ। तो जब मैं अपने पति को फ़ोन करके बुलाई, पति अर्जेंटली मुझे लेकर हॉस्पिटल निकले, तो उस टाइम एक मतलब दुखी भी थी, सारा रास्ता प्रे करते हुए जा रही हूँ कि हाँ प्लीज़ सब कुछ अच्छा हो, प्लीज़ सब कुछ अच्छा। ये मेरे साथ 2 बार हो चुके हैं। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे ये बच्ची कितनी बदमाश थी। ये ना हॉस्पिटल जब हम लोग पहुँचे, उस डिपार्टमेंट में पहुँचे जहाँ वो यूएसजी वगैरह होता है, वहाँ पे मुझे ना उसके मूवमेंट पता चलने लगा और मैं अंदर से बहुत घबरा भी गई थी कि लो अब मेरा टर्न है अंदर जाने का, और ये मैडम का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे। और मैंने बताया था मेरे घर से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, तो मैं फटफट कैब करके आई थी। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे
कि ये लड़की नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। और रास्ते भर मैं प्रे करके आ रही थी, मैं बिहारी हूँ तो मैं छठ माँ से प्रे कर रही थी, माँ छठ मेरा बच्चा सही सलामत हो। तो ये मूवमेंट करने लगी तो मैं सोची कि क्या बोलेंगे डॉक्टर। तो फिर चेकअप वगैरह हुआ तो बोला सब कुछ सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो जब हम लोग घर रिटर्न आए तो मेरे पति ने कहा कि ये बहुत बदमाश है, इसको घूमने का मन है, ये तुम पे गया है बिल्कुल, तो इसे घूमने का मन है, तो इसी वजह से ये मुझे भी ऑफिस एब्सेंट करवा के घुमाने लिए चला कि कहीं घूमने नहीं निकला है इतने दिन से, घूमने चले गए। खैर ये सब जो मस्ती मजाक थी। तो उसके बाद मेरा वो सब ट्राइमेस्टर काफ़ी अच्छा गुजरा। 8वें महीने तक मैं घर का काम काज की। हाँ और एक चीज़ मुझे पता चला अपनी USG में कि मेरा बेबी ब्रीच है, यानी कि मेरा बेबी उल्टा है। तो अब तो नॉर्मल डिलीवरी का होप आप छोड़ ही दो, क्योंकि उल्टा बेबी जो होता है उसको, मुझे नहीं पता पहले होते होंगे तो होते होंगे नॉर्मल डिलीवरी से या फिर नहीं होते होंगे, पर मेरा सिजेरियन होने वाला था। तो अब सिजेरियन के लिए भी मुझे वैसे तो दोनों प्रोसेस से ही बहुत घबराहट और बहुत डर लगते थे कि नॉर्मल डिलीवरी जब आपका पता नहीं हर औरत के साथ होता होगा या फिर जो न्यू मॉम टू बी होगी तो उसे पता चल रहा होगा कि जब आपका डिलीवरी डेट धीरे 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 सामने आती है ना, तो आपकी घबराहट, आपके टेंशन, आपके डिप्रेशन बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि सी सेक्शन में क्या होता है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। खैर इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी आप लोग के साथ। तो मुझे घबराहट होती थी, नॉर्मल डिलीवरी का भी बहुत सुनती थी, अपने मेरे घर के जितनी लेडीज़ है सब बताते थे कि नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी पेन होता है, ये होता है, वो होता है। माँ बनने की तो खुशी थी मगर पेन से बहुत डर लगता है भैया। तो पेन से वैसे भी बहुत डर लगता है, और मेरा प्रेगनेंसी काफ़ी पेनफुल भी रहा है जैसा कि मैंने बताया। और सिम्टम्स के बारे में बताऊँ तो मेरे प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक नोज़िया था, उसके बाद एक्सेस स्लीप, जो कि मेरे फर्स्ट से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर से मुझे इतना नींद आता था, मुझे इतना नींद आता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमेशा जब देखो तब मैं सो जाती थी, जब देखो तब मैं सो जाती थी। रात में अच्छा खासा नींद पूरा कर ली, फिर भी सुबह मैं उठती थी लेट से, उसके बाद तो घर में फिर जाके सो जाती थी। मुझे नींद बहुत आते थे और खाना भूख लगना ओके था, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाते थे और बहुत कम भी नहीं खाती थी, जो अपने रेगुलर टाइम में खाती हूँ वैसा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाती थी। तो यही सब था कि मेरा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स यही थे, मेरे प्रेगनेंसी का अप्स एंड डाउन फेज मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो और तो कुछ ऐसा था नहीं मेरे प्रेगनेंसी में। फिर आया मेरा डिलीवरी डेट, मैं डिलीवरी के गई डेट ड्यू डेट के पहले गई थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपको चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका सर्विक्स खुल चुका है, तो हमें अभी अर्जेंटली, और आपका बेबी का पोजीशन ब्रीच भी है तो आपका सी सेक्शन होगा और हमें अभी अर्जेंटली डिलीवरी करना होगा। तो हम लोग का हम गए अपने मेरे पेरेंट्स पति ये सबके साथ शेयर किए, तो उन्होंने कहा कि आज ही होना है, तो बोले हाँ आज ही होगा। तो वो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उसके बाद मेरा मैं लगभग 12 बजे शायद एडमिट हुई थी और मेरा 6:30 बजे ऑपरेशन के थ्रू मेरी बेबी गर्ल हुई। तो यहीं तक था मेरा प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा मायूसी भी नहीं थी मेरी प्रेगनेंसी में, जिसको कॉम्प्लिकेशन कहते हैं वो भी नहीं थी, और बहुत बहुत स्मूथली वाला फेज भी नहीं था। हर औरत की जो प्रेगनेंसी होती है अलग अलग होती है, किसी की प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी होती है, किसी की प्रेगनेंसी में छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किसी की प्रेगनेंसी में बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उस टाइम पे घबराइएगा नहीं, आपके फैमिली, आपके
पति का अगर सपोर्ट हो और जो दिए हैं ना वो तो बहुत अच्छे से ही ख्याल रखेंगे, मेरा मतलब भगवान से है, वो अच्छे से ख्याल रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं, और जो मॉम टू बी मेरी वीडियो देख रही है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन और सब कुछ अच्छा हो आप लोग के साथ। बस यही तक मेरा ये वीडियो रहा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत मेहनत लगते हैं यार वीडियो बनाने में, मेरी एक छोटी एक ईयर की एक साल दो तीन महीने की बेबी है, मैं उसके साथ घर के काम उसको लेकर वीडियो बनाती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत ज़रूरत है मेरे को मोटिवेट करने के लिए, मेरे चैनल को मोटिवेट करने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिएगा।